नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th SST सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 यानी आंकलन कार्यपत्रक संख्या 5 को। यह आपकी 15 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। जैसे कि आप सभी को पता है, असेसमेंट वर्कशीट आपके क्लास टेस्ट या फिर यूटी की तरह होती है। सो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, उम्मीद की जाती है कि इन असेसमेंट वर्कशीट को आप खुद कीजिए। अगर आप खुद कर सकते हो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आप खुद को असेस कर पाओगे आपने कितना सीखा, कितना समझा, कितना आपने जाना। अगर आप खुद नहीं कर सकते या फिर खुद नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट ट्राई ज़रूर कीजिए। उसके बाद अपने आंसर्स को, अपने सॉल्यूशन को आप मैच कर सकते हो, टैली कर सकते हो इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 की। आज की जो हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 है, ये ऑब्जेक्टिव रहेगी। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए और सभी क्वेश्चंस आपके MCQs रहेंगे, यानी हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो पहला हमारा प्रश्न दिया गया, उत्पादन की पहली आवश्यकता है, यानी कि उत्पादन की 4 आवश्यकताएं होती हैं, उसमें से पहली आवश्यकता क्या है ये हमें बताना है। तो इसमें पहला विकल्प दिया गया श्रम, दूसरा विकल्प है भूमि, तीसरा विकल्प है भौतिक पूंजी, चौथा विकल्प है मानव पूंजी। इसमें करेक्ट आंसर आपका खे रहेगा, भूमि है वो उत्पादन की पहली आवश्यकता है। उत्पादन की पहली आवश्यकता होती है भूमि तथा प्राकृतिक संसाधन, तो खे आपका यहाँ पर सही विकल्प रहेगा। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं, ठीक कौन कौन सी ये हमें बताना है। यानी कि कृषि होगी एक, तो कृषि के अलावा जितनी भी क्रियाएं पालमपुर गांव में की जाती है वो सभी क्या कहलाएगी, गैर कृषि क्रियाएं कहलाएगी। तो कौन सी है, 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है परिवहन, दूसरा दुकान चलाना, तीसरा लघु विनिर्माण और चौथा दिया गया उपरोक्त सभी। इसमें करेक्ट आंसर आपका घे रहेगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों ही प्रकार की गैर कृषि क्रियाएं ये पालमपुर गांव में की जाती है, तो घे हमारा सही विकल्प रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया, तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा, औजार मशीन भवन उदाहरण है, किस चीज़ के उदाहरण है ये हमें बताना है। पहला ये मानव पूंजी है उसके उदाहरण है, दूसरा ये स्थायी पूंजी के उदाहरण है, तीसरा ये अस्थायी पूंजी के उदाहरण है और चौथा ये इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये स्थायी पूंजी के उदाहरण है, किसके उदाहरण है ये, स्थायी पूंजी के, यानी कि खे हमारा सही विकल्प रहेगा। तो ये स्थायी पूंजी क्या होती है कि जो भौतिक पूंजी होती है, यानी कि हम कोई भी वस्तु का उत्पादन करेंगे तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक तो स्थायी पूंजी, एक अस्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी वो पूंजी होती है कि जिस वस्तु को अगर हम यूज करेंगे एक बार तो उसको कई वर्षों तक हम यूज कर सकते हैं। जैसे खेती करें, कृषि करें, तो उसमें ट्रैक्टर स्थायी पूंजी है। जैसे इस बार हम लेकर के आए तो ऐसा नहीं कि अगली बार हमें नया लाना पड़ेगा, कई वर्षों तक उसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे कोई जूस की रेडी वाला है तो उसके पास जो जूस की मशीन है वो क्या, उसकी स्थायी पूंजी है। जबकि जो गन्ना है, अगर उससे जूस बना रहा है तो गन्ना उसकी अस्थायी पूंजी होगी, क्योंकि उसकी हर बार उसे दोबारा से आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी कृषि में जो बीज है, खाद है, स्प्रे है, पेस्टिसाइड है, वो अस्थायी पूंजी होती है, जबकि ट्रैक्टर मशीनें वगैरह स्थायी पूंजी होती है। तो यहाँ पर औजार मशीन भवन क्या है, स्थायी पूंजी है, क्योंकि इसको हम लंबे समय तक प्रयोग में ला सकते हैं। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न दिया गया, इनमें से कौन एक स्थायी पूंजी है, कौन सा है जो स्थायी पूंजी, ये हमें बताना है। पहला मुद्रा, दूसरा कच्चा माल, तीसरा मशीन, चौथा उपरोक्त सभी। इसमें सही विकल्प हमारा रहेगा गए, मशीन है वो एक स्थायी पूंजी है, जबकि मुद्रा कच्चा माल क्या है, अस्थायी पूंजी है। मुद्रा एक बार हमने प्रयोग की, खत्म, अगली बार नई लेके आनी पड़ेगी। ऐसी जो कच्चा माल है, एक बार प्रयोग में लेके आए, अगली बार दोबारा लेके आना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या है, अस्थायी पूंजी। तो इसमें मशीन है वो स्थायी पूंजी है, क्योंकि एक बार खरीदने के बाद इसको लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकता है। पांचवा हमारा प्रश्न रहेगा, चलिए पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक खेती का प्रभाव नहीं है, यानी कि आधुनिक जो कृषि है, वैज्ञानिक कृषि है, उसका प्रभाव नहीं, ये हमें बताना है। पहला, मिट्टी की उर्वरता में कमी हुई है ना, आधुनिक कृषि से हुई है। वनों की कटाई, ये भी हुई, आधुनिक कृषि के चक्कर में हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो भूमि थी उसको कृषि योग्य भूमि में बदलना शुरू कर दिया और वनों की कटाई शुरू कर दी। भूम जल क्षेत्र में कमी, ये भी हुई है, पंजाब हरियाणा और यूपी, पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है, काफ़ी नीचे चला गया। और घे है उत्पादन में कमी, ये नहीं हुआ है, आधुनिक कृषि में उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, उसी के लिए सारा कुछ हम करें ना, तो इसमें घे है वो हमारा सही विकल्प रहेगा, यानी कि ये आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है उत्पादन में कमी होना। ठीक, तो घे आपका सही विकल्प रहेगा। उस पर छठा हमारा प्रश्न दिया गया, उत्पादन का प्रयोजन या उद्देश्य क्या होता है, यानी हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है। 4 विकल्प दिए गए, पहला विकल्प है वस्तुएं उपलब्ध करवाना, दूसरा विकल्प है सेवाएं उपलब्ध करवाना, तीसरा विकल्प है ऐसी सेवाएं और वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन करना जिसकी हमें आवश्यकता होती है, चौथा विकल्प दिए गए उपरोक्त सभी। ठीक, यानी कि हमें 4 विकल्प दिए गए, तो इसमें सही विकल्प रहेगा हमारा सी, कौन सा रहेगा, सी सही विकल्प रहेगा, यानी ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन करना जिनकी हमें आवश्यकता होती है, ये उत्पादन का उद्देश्य होता है, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
उसके बाद सातवां प्रश्न दिया गया, एक साल में किसी कृषि भूमि पर एक से ज्यादा फसल उगाने की विधि को क्या कहेंगे, यानी कि हमारे पास एक जमीन है उसके ऊपर हम एक से ज्यादा फसलें उगा रहे हैं एक वर्ष में, तो उस विधि को क्या कहेंगे ये हमें बताना है। तो इसमें पहला विकल्प दिया गया बहुविध फसल प्रणाली कहेंगे, दूसरा विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय फसल प्रणाली कहेंगे, तीसरा विकल्प है उसे हम एकल फसल प्रणाली कहेंगे, और चौथा विकल्प दिया गया उस यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा रहेगा क, उसे हम कहेंगे बहुविध फसल प्रणाली। जब हम एक ही खेत पर एक वर्ष में एक से ज़्यादा फसलें उगाते हैं तो उसे हम कहेंगे बहुविध फसल प्रणाली, यानी कि आपका क है वो सही विकल्प रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया आठवां हमारा प्रश्न रहेगा, आठवां प्रश्न है पालमपुर गांव में किसान अपनी बचत का प्रयोग किन कार्यों के लिए करते हैं, ये हमें बताना है। तो पहला विकल्प है ये कृषि कार्यों के लिए किया जाता है, दूसरा गैर कृषि कार्यों के लिए किया जाता है, तीसरा है उपरोक्त दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा ग, उपरोक्त दोनों, यानी कि किसान है वो कृषि कार्यों और गैर कृषि कार्यों दोनों के लिए अपनी बचत का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नौवां प्रश्न दिया गया, नौवां प्रश्न यहाँ पर हमें एक कथन दिया गया और एक उसका कारण दिया गया, पहले हमें दोनों को समझना है और देखना है क्या दोनों सही है, उसके बाद सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर दिया गया पालमपुर पड़ोसी गांवों और कस्बों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, सही बात है ना, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो आर कारण दिया गया वो ए को एक्सप्लेन नहीं करा ना, दोनों सही है, सिर्फ इतना ही हमें पता चला। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही विकल्प रहेगा। पहला कह जो विकल्प दिया गया कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता, तो ये तो नहीं हो सकता, दोनों सही तो है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करा। कह दिया गया ए और आर दोनों सही है और लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक, तो ये हमारा खै विकल्प रहेगा। कौन सा विकल्प रहेगा, खै विकल्प रहेगा, क्योंकि दोनों सही तो है लेकिन जो कारण दिया गया वो कथन जो ए है उससे संबंधित नहीं है। उसके बाद दसवां प्रश्न दिया गया, चलिए दसवें प्रश्न को देखते हैं। दसवां हमारा प्रश्न दिया गया कथन ए जो दिया गया कि प्रत्येक उत्पादन भूमि श्रम भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के संयोजन से आयोजित होता है, यानी कि कुछ भी उत्पादित करना हो तो इसमें चार कारकों की आवश्यकता होती है, भूमि श्रम भौतिक पूंजी और मानव पूंजी की, जिससे उत्पादन के कारक के रूप में जाना जाता है, कि इन सभी को हम उत्पादन के कारक कहते हैं, सही है ना, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, उसके बाद दूसरा दिया गया कच्चा माल और हाथ में पैसा कार्यशील पूंजी कहलाता है, यानी कि हमारे पास कच्चा माल है या हाथ में पैसा है वो कार्यशील पूंजी होता है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर भी वही सेम केस रहेगा, यहाँ पर दोनों सही तो है लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा एक बार फिर से खै रहेगा, यानी कि नाइन्थ में भी खै रहेगा और यहाँ पर भी खै रहेगा, यानी कि ए और आर दोनों सही तो है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो वर्कशीट अच्छी लगे तो इस वीडियो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ एक छोटा सा कमेंट तो बनता है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।